हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एफर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे द अम्ब्रेला बाय जीडी मोपासा। स्टोरी एक कपल की है, मिस्टर एंड मिसेस ओरिल। इन दोनों में जो मेजर कैरेक्टर है वह है मिसेस ओरिल का। मिसेस ओरिल कह लो या फिर मैडम ओरिल, बात एक ही है। मैडम ओरिल इज़ ए माइजर लेडी एंड शी वांट्स टू सेव द मनी एज मच एज पॉसिबल। मैडम ओरिल इजेंटियल थिंग्स के लिए भी पैसा खर्च नहीं करना चाहती। अगर मैडम ओरिल कुछ ख़रीद भी लेती तो ये उसके लिए पेनफुल रहता। आई होप मैडम ओरिल के कैरेक्टर को आप लोग जान चुके हैं। अब बात करते हैं मिस्टर ओरिल की। मिस्टर ओरिल इज़ ए हेड क्लर्क इन ए गवर्नमेंट ऑफिस। मिस्टर ओरिल एक सिंपल मैन है। मिस्टर ओरिल अपनी सारी सैलरी अपनी वाइफ मैडम ओरिल को देते हैं और जब कभी भी पैसों की ज़रूरत होती तो अपनी वाइफ से मांग लेते। बट उनकी वाइफ मिस्टर ओरिल को इतनी आसानी से पैसा नहीं देती। बहुत सारे क्वेश्चन पूछती, जैसे तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, अभी थोड़े दिनों पहले ही तो तुमको पैसे दिए थे। तो दोस्तों, ये तो थी दोनों कैरेक्टर की बेसिक बातें। अब हम स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स बिगिन। मैडम ओरिल अपनी लाइफ में बहुत कम पैसा खर्च करती हैं। इनको पता है कि एक पैसे का क्या महत्व होता है। मिस्टर ओरिल को मैडम ओरिल से पैसे मांगने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो अच्छा है कि ओरिल फैमिली में कोई चाइल्ड नहीं है। अगर मैडम ओरिल को कुछ कीमती चीज़ खरीदनी होती तो वह पूरी रात उसके बारे में सोचती कि इसको ख़रीदा जाए या फिर नहीं। मिस्टर ओरिल अपनी वाइफ को समझाते हैं कि हमारी सैलरी के कंपैरिजन में हमारा लाइफ स्टाइल बहुत डाउन है तो हमें थोड़ा खर्चा करना चाहिए। बट मिसेस ओरिल कहती है कि क्या पता फ्यूचर में हमें पैसों की ज़रूरत हो, तो इसलिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। मिस्टर ओरिल एक ऑफिस में हेड क्लर्क है और ऑफिस में सभी लोग उन पर हंसते हैं क्योंकि मिस्टर ओरिल पिछले 2 सालों से एक ही अम्ब्रेला यूज़ कर रहे हैं और वह भी बहुत सी जगहों से फटा हुआ था और जहां से फटा हुआ था उस पर सिलाई की हुई थी। जब मिस्टर ओरिल को सभी लोग ऑफिस में चिढ़ाते तो अब बात उनके एटीट्यूड पर आ गई। मिस्टर ओरिल ने अपनी वाइफ से साफ साफ कह दिया, उनको नया अम्ब्रेला चाहिए, अदरवाइज आई विल लीव दिस जॉब। मैडम ओरिल ने जैसे तैसे करके 8 फ्रैंक का सस्ता सा न्यू अम्ब्रेला अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दिया। बट विद इन 3 मंथ्स न्यू अम्ब्रेला फट जाता है बिकॉज ये चीप क्वालिटी का बना हुआ था। मिस्टर ओरिल ने फिर से एक न्यू अम्ब्रेला की मांग रखी और इस बार अम्ब्रेला अच्छी क्वालिटी का हो। मैडम ओरिल ने 18 फ्रैंक का गुड क्वालिटी का सिल्क अम्ब्रेला दिलवा दिया। बट इस टाइम अपने हस्बैंड को वार्न किया कि यह अम्ब्रेला कम से कम 5 साल तक चलना चाहिए। मिस्टर ओरिल बहुत खुश है बट अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे ही अम्ब्रेला में एक बड़ा सा होल हो गया। मिस्टर ओरिल को पता नहीं कि यह कैसे हुआ। मिसेस ओरिल बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और गुस्से में हकलाते हुए अपने हस्बैंड को डांटती है कि तुम पागल हो गए हो, तुमने नया अम्ब्रेला जला डाला। मिस्टर ओरिल कसम खाकर कहते हैं कि मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ। मिसेस ओरिल ने अम्ब्रेला के जले हुए पार्ट को सिल दिया। अब अगले दिन मिस्टर ओरिल चुपचाप ऑफिस में गए और अपना अम्ब्रेला अलमारी में रख दिया। मिस्टर ओरिल ने ऑफिस में उस अम्ब्रेला के जलने का किस्सा किसी को नहीं सुनाया। जब शाम को मिस्टर ओरिल घर को लौटे तो मिसेस ओरिल ने अम्ब्रेला चेक किया। इस बार तो बहुत सारे होल्स हो रखे थे उस अम्ब्रेला में। मैडम ओरिल गुस्से में चीख पड़ी और कहा, अब तुम्हें कोई नया अम्ब्रेला नहीं दिलवाऊंगी, और उस होल वाले अम्ब्रेला को मिस्टर ओरिल के मुँह पर फेंक दिया। मिस्टर ओरिल ने समझाने की कोशिश की कि यह सब कुछ कैसे हुआ, उनको कुछ पता नहीं है। तभी मिस्टर ओरिल के फ्रेंड की एंट्री होती है जिनको शाम के भोजन के लिए इनवाइट कर रखा था। उसने मिसेस ओरिल को समझाने की कोशिश की बट मिसेस ओरिल नहीं मानी। मिसेस ओरिल ने कहा, आज से मिस्टर ओरिल
ऑफिस में नौकरों का छाता लेकर जाएंगे। बट मिस्टर ओरिन ने कहा, मैं जॉब छोड़ दूंगा पर नौकरों का छाता ऑफिस नहीं ले जाऊंगा। तभी उस फ्रेंड ने एडवाइस दी कि तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम उठाना चाहिए। मिस्टर ओरिन ने मना कर दिया कि मात्र 18 फ्रैंक के लिए क्या क्लेम करना, पर मिसिस ओरिन के दिमाग में ये बात बैठ गई थी। नेक्स्ट डे मिस्टर ओरिन बिना अम्ब्रेला के ऑफिस को चले गए थे क्योंकि उस दिन ज़्यादा धूप नहीं थी। मिसिस ओरिन घर पर अकेली सोच रही थी कि उसको इंश्योरेंस कंपनी जाना चाहिए या फिर नहीं। उसको डर था क्योंकि वो थोड़ी सोशल कनेक्टिविटी में डरपोक थी। अजनबियों से बात करने में उसको बेचैनी महसूस होती थी। मिसिस ओरिन ने सोचा कि अम्ब्रेला को ठीक तो इंश्योरेंस कंपनी से ही करवाएगी, इसलिए उसने अम्ब्रेला को और ज़्यादा जला दिया जिससे इंश्योरेंस वाले फिर से रिपेयर ना कर सकें। अब फाइनली मिसिस ओरिन घर से निकल गई, पर रास्ते में उसको बहुत सारे विचार आते हैं कि कंपनी इतने छोटे नुकसान का क्लेम नहीं देगी, पर उसको कंपनी जाकर ट्राई करना चाहिए। जब कंपनी में वो एंटर होती है तो मिसिस ओरिन पूरी तरह से घबरा जाती है। फिर वह किसी से पूछती है कि आग लगने से जो नुकसान होता है उसका क्लेम कहाँ से उठाएं। तब उस मैन ने रिप्लाई दिया कि आगे से लेफ्ट एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट है, वहाँ से। एक्सीडेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर से जब मिसिस ओरिन मिली और उनको कहा कि मुझे अम्ब्रेला के ऊपर क्लेम चाहिए, तो वो मैनेजर शॉक हो गया। बट मिसिस ओरिन ने झूठी कहानियाँ बताई उसको, और मैनेजर को लगा कि मिसिस ओरिन उसका पूरा दिन ख़राब कर देगी अगर उसको क्लेम नहीं दिया तो। इसलिए मैनेजर को ना चाहते हुए भी अम्ब्रेला पर नया सिल्क का कपड़ा लगवाना पड़ा। मिसिस ओरिन ने शॉपकीपर से कहा, सबसे बढ़िया और सबसे महंगा कवर इस अम्ब्रेला पर लगवाओ, पैसों की चिंता मत करो।